लेट्स डिस्कस द टॉपिक फॉरेस्ट रिसोर्सिस। फॉरेस्ट रिसोर्सिस क्या होता है? जो भी प्रोडक्ट्स हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं और हमारी नीड को फुलफिल करते हैं उसको बोलते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सिस। ये वर्ड फॉरेस्ट जो है डिराइव किया गया लैटिन वर्ड फॉरिस से, जिसका मतलब होता है आउटसाइड, अवे फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशन और विलेज। जो भी एरिया ह्यूमन सेटलमेंट से अवे होता है और डोमिनेंस उस पर किसका होता है, ट्रीज का होता है, उस एरिया को बोलते हैं फॉरेस्ट। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने भी डिफाइन किया फॉरेस्ट को कि फॉरेस्ट एज ऑल लैंड्स बियरिंग वेजिटेशन। सारी लैंड्स जहाँ पर वेजिटेशन होती है और उनका उस लैंड का डोमिनेंस किसका होता है, ट्रीज का होता है। वो ट्रीज चाहे स्मॉल साइज के हों, किसी भी साइज के हों, और वो एक्सप्लाइटेड हों या अनएक्सप्लाइटेड हैं, लेकिन कैपेबल हैं कि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वुड और अदर प्रोडक्ट्स को, तो ऐसे लैंड एरिया को बोलते हैं फॉरेस्ट। तो इंडिया की जो फॉरेस्ट कवर है वो है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि परसेंटेज वाइज जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का उसका कितना परसेंट बनता है फॉरेस्ट कवर, 21.7% जो पोर्शन है इंडिया का जियोग्राफिकल जो एरिया है वो कवर्ड विद है फॉरेस्ट। और अगर हम यही चीज़ ये देखें 2029 में, तो तब जो जियोग्राफिकल एरिया था इंडिया कितना कवर्ड था फॉरेस्ट के साथ, 21.67। दैट मीन्स 2021 में तक जो डेटा आया है उसमें जो है फॉरेस्ट कवर जो है वो बड़ा है। तो कोई भी जो फॉरेस्ट पॉलिसी क्या कहती है कि कोई भी नेशन है जो उसका 33% जो जियोग्राफिकल एरिया है वो कवर्ड होना चाहिए विद फॉरेस्ट। इसलिए अभी भी हमें बहुत सारा जो है टारगेट अचीव करना है, हम काफ़ी पीछे हैं, सिर्फ 21.71% जियोग्राफिकल एरिया ये जो फॉरेस्ट के साथ कवर्ड है। अगर हम फॉरेस्ट के साथ साथ ट्री कवर की भी बात करें तो इंडिया का जो इस समय जियोग्राफिकल एरिया कितना है, 24.56% जो जियोग्राफिकल एरिया है वो कवर्ड है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के साथ। ट्री कवर चाहे फिर वो अर्बन एरिया में है, रूरल एरिया में, वो ट्रीज भी डालकर और फॉरेस्ट भी डालकर तो टोटल एरिया बनता है इतना। तो ये जो रिपोर्ट है किसकी है, द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जो 2021 में ये रिपोर्ट दी है उसके हिसाब से ISFR की ये जो है उसकी रिपोर्ट पब्लिश करती है FSI हर दो सालों में, 2019 के बाद 2021 में ये रिपोर्ट आई है। तो एज कंपेयर टू जो 2019 में आया था उसके हिसाब से जो 2021 में है वो फॉरेस्ट कवर जो है जियोग्राफिकल पोर्शन जो है वो बड़ा है, फॉरेस्ट कवर बड़ा है, तो उसमें 0.28% ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है वो नेशनल लेवल पे बड़ा है। फॉरेस्ट कवर जो है 0.22% बड़ा है, जबकि ट्री कवर जो है वो उससे भी ज़्यादा बड़ा है 0.76%। जो गेन हुआ है फॉरेस्ट कवर का, उसका कारण बहुत सारे कारण हैं, उसमें एक तो है कि हमने बेटर कंजर्वेशन मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, इसके अलावा प्रोटेक्शन दी है फॉरेस्ट एरिया को, ए फॉरेस्टेशन प्रोग्राम लगाए हैं जहाँ पर प्लांटेशन ड्राइव भी चलाई हैं, और एग्रो फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर लैंड में भी फॉरेस्ट जो है ट्रीज प्लांट्स वगैरह लगाए हैं, उस वजह से ये एरिया बड़ा है। तो अगर हम फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन की बात करें इंडिया में, तो चैम्पियन एंड सेठ हैं जिनकी सबसे ज़्यादा जो है वैलिड क्लासिफिकेशन मानी जाती है, इन्होंने क्लासिफिकेशन ये दी थी 1968 में, और जो कि अब भी इंडिया में वैलिड है। और इन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन की दी थी इसमें 5 मेजर फॉरेस्ट रखे थे और ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर के हिसाब से, तो इसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, सब अल्पाइन फॉरेस्ट और अल्पाइन फॉरेस्ट जो है ये आते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन को फिर सब जो है 5 जो फॉरेस्ट टाइप है उनको सब डिवाइड किया इंटू 16 जो है मेजर फॉरेस्ट में और 221 जो है माइनर फॉरेस्ट ग्रुप में रखा है, और ये ऑन द बेसिस ऑफ मॉइस्चर कंडीशन, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर के बेस पे इनकी सब डिवीज़न की है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इंडिया का रिजर्व फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है या अनक्लास्ड। तो जो इंडिया में रिजर्व फॉरेस्ट का में अंडर एरिया आता है वो है 55%, जो कि सबसे ज़्यादा होता है, फिर आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जिनका जिसके अंडर आता है एरिया 29%, और अनक्लास फॉरेस्ट जो है वो 16% आता है। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम में।
और ये टेबल एक बार हम देख पा रहे हैं, इसको देखें पास करके वीडियो, तो इस तरीके से जो है मेजर ग्रुप्स थे ये फॉरेस्ट के, और सब डिवीजन जो 16 जो हैं ग्रुप्स जो फॉरेस्ट के ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर और मॉइस्चर कंडीशन के हिसाब से जो किया गया और क्लाइमेट के हिसाब से ये फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन है जो कि चैंपियन एंड सेड ने 1968 में दी थी। तो इन जो फॉरेस्ट टाइप हैं 16 फॉरेस्ट टाइप, इनमें जो हैं कुछ जो मेजर फॉरेस्ट टाइप है जो कि इंडिया में हैं, तो उसमें है ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट। क्वेश्चन आता है कि इंडिया में कौन सा फॉरेस्ट है सबसे ज़्यादा परसेंटेज में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट जो है इंडिया में पाया जाता है, उसकी परसेंटेज है 38.2%। उसके बाद आया ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट जिसकी परसेंटेज है 30.3%। फिर है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जिसकी परसेंटेज है 6-7%। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है 5.8%। सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट है 5.0%। इस तरीके से क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा फॉरेस्ट है जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा है इंडिया में परसेंटेज वाइज। तो इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसकी शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, इन्होंने क्या किया है, रिलीज़ किया है जो करते हैं ISFR की रिपोर्ट, जिसकी ISFR को हम ब्रॉड वे में बोलते हैं, फुल फॉर्म है इसकी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR, जो 2021 में किया। और ये जो ISFR जो रिपोर्ट होती है ये रिलीज़ करता है FSI, जिसका शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। लेकिन ये अंडर किस मिनिस्ट्री में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। तो ये जो FSI है ये ISFR की रिपोर्ट हर 2 सालों में निकालती है, और 1987 से जो है ये फॉरेस्ट जो असेस कर रही है और रिपोर्ट ये पब्लिश कर रही है FSI। तो थोड़ा सा जानेंगे कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है क्या एक्चुअली। तो FSI जो है ये क्या है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, असेसमेंट करती है और मॉनिटरिंग करती है फॉरेस्ट रिसोर्सिस की इंडिया में रेगुलरली, और इसका जो फंक्शंस चलता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के अंडर आती है ये, और इसका हेड क्वार्टर जो है वो देहरादून में है। ये फाउंडेड की गई थी FSI 1981 में, और FSI जो है मेजर नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, खास करके इसके लिए सर्वे करती है फॉरेस्ट के लिए करती है। और इससे पहले जो FSI का नाम था शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PISFR, तो इसका फुल फॉर्म है प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सिस। पहले ये ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको फिर चेंज करके रखा गया नाम FSI 1981 में। तो FSI जो क्या करती है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो बाइनली जो है वो निकालती है, पब्लिश करती है हर 2 सालों में रिपोर्ट करती है ये फॉरेस्ट की। तो इसमें क्या करती है, असेसमेंट करती है लेटेस्ट फॉरेस्ट कवर कितना है, जैसे हमने पढ़ा ऊपर कि कितने परसेंटेज ऑफ लैंड जो है वो अंडर फॉरेस्ट आई है, और साथ ही साथ में कौन से चेंजेस आए हैं कि फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है कम हुआ है, किस स्टेट में बढ़ा किस में कम हुआ, वो सारा का सारा FSI रिपोर्ट देती है हर 2 सालों में। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, इसके हिसाब से क्या है कि जो इंडिया का फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है वो राइज हुआ है 2,261 स्क्वायर किलोमीटर, ये राइज हुआ है, और ये फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों मिलाकर जो है ये एरिया जो है राइज हुआ है, और लास्ट 2 ईयर्स में टू ईयर्स की, क्योंकि 2021 में ये रिपोर्ट आई है, तो 2019 से लास्ट आई थी उससे लेकर 2021 के बीच में, जिसमें कि आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पर मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर जो है वो राइज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, और कितना हुआ है 647 स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया आंध्र प्रदेश का बड़ा है। तो आता है कि कौन सी स्टेट का सबसे ज़्यादा जो है इस रिपोर्ट के हिसाब से एरिया बड़ा है, तो वो है आंध्र प्रदेश फॉर्म। तो इसके अलावा क्या है, इंडिया टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है वो अब कितना हो चुका है, लगभग 80.9 मिलियन हेक्टेयर तक जो है फैला हुआ है फॉरेस्ट और ट्री कवर इंडिया का, जिसको परसेंटेज वाइज अगर ज्योग्राफिकल एरिया देखें तो 24.62% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री जो है इज कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, इसमें फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों चीज़ें हैं। तो टॉप 5 स्टेट जो हैं जिनमें फॉरेस्ट कवर जो है वो इंक्रीज हुआ है, उसमें कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश जिसमें 647 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, उसके बाद तेलंगाना है 632 स्क्वायर किलोमीटर, उड़ीसा, कर्नाटका और झारखंड। तो इस तरीके से इन स्टेट्स का जो है फॉरेस्ट कवर जो है बड़ा है
2021 की रिपोर्ट के हिसाब से। इसके अलावा क्या है कि जो ये स्टेट्स हैं जो जिनका क्या है कि मैक्सिमम जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो फॉरेस्ट के अंडर आता है, उसमें कौन सी है? पहली बात है मध्य प्रदेश ऐसी स्टेट है जहाँ पर जिसका एरिया जो लार्जेस्ट पोर्शन जो है वो ज्योग्राफिकल पोर्शन फॉरेस्ट के अंडर आता है। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद जो है फिर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र जो स्टेट्स हैं इस तरीके से जो है इनका जो है एरिया है ज़्यादा है अंडर फॉरेस्ट कवर। अगर हम परसेंटेज वाइज देखते हैं कि फॉरेस्ट कवर, तो इस हिसाब से जो परसेंटेज वाइज जो किसका ज्योग्राफिकल एरिया ज़्यादा उसमें फॉरेस्ट के कवर के अंडर है, तो मिजोरम का मैक्सिमम पोर्शन जो है लगभग 84.53% जो है ज्योग्राफिकल एरिया जो है अंडर फॉरेस्ट कवर है। मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड इस तरीके से परसेंटेज वाइज। और इवन जो है लगभग 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनका लोग 33% से ज़्यादा जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो क्या है अंडर फॉरेस्ट कवर है। और इन में से भी 17 में से भी जो है कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनका लगभग 75% जो है फॉरेस्ट एरिया जो है वो अंडर फॉरेस्ट कवर है, जिसमें कौन कौन सी है जैसे लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय जो हैं ऐसी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स हैं जिनका 75% से भी ज़्यादा पोर्शन जो है वो अंडर फॉरेस्ट कवर के आता है। कंसर्न करने की बात है जो इस समय ज़्यादा ध्यान देने की वो है कि जो नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पर क्या वहाँ पर जो है नेगेटिव रिपोर्ट आई है। एक्चुअली वहाँ पर जो है डिक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर कहाँ तक 1020 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो रीजन जो है फॉरेस्ट का जो है क्या हुआ है कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर, खासकर कौन सी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। तो अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो अरुणाचल प्रदेश आती है स्टेट में उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर जो है वो लॉस हुआ है और कितने स्क्वायर किलोमीटर 257 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो एरिया कम हुआ है। मणिपुर में 249 स्क्वायर किलोमीटर, नागालैंड में 235 स्क्वायर किलोमीटर, मिजोरम और मेघालय इस तरीके से ये जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट हैं ये कंसर्निंग है क्योंकि यहाँ पर जो है फॉरेस्ट कवर का जो एरिया है वो कम हुआ है। तो अगर इन टोटल देखें तो 140 हिल डिस्ट्रिक्ट हैं पहाड़ियों वाली जहाँ पर क्या हुआ है कि फॉरेस्ट कवर जो है वो रिड्यूस हुआ है लगभग 902 स्क्वायर किलोमीटर लास्ट 2 ईयर्स में। तो ये एरिया का मैप देख पा रहे हैं हम, तो इसमें ये है कि जो स्टेट्स जहाँ पर फॉरेस्ट कवर बढ़ा है गेंस हुआ है वो आंध्र प्रदेश हमने पढ़ा कितने हैं स्क्वायर किलोमीटर, ये तेलंगाना में, फिर ये फिर उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, इसको देखें एक बार। और परसेंटेज वाइज भी यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे 3% बढ़ा है आंध्र प्रदेश में, फिर 2-3% बढ़ा है तेलंगाना में और इस तरीके से ये दिया हुआ है। और ये और जबकि जो लॉसेज हुई हैं स्टेट्स में वो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश जो है मैक्सिमम एरिया लॉस हुआ है फॉरेस्ट कवर का वो 257 स्क्वायर किलोमीटर, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड, मिजोरम, मेघालय जैसे पढ़ा हमने, परसेंटेज वाइज भी ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये गेन है लॉस ऑफ फॉरेस्ट जो कवर है सिंस 2019 से जो है अभी तक जो आया है डेटा 2021 में, ये वहाँ उसका मैप है।